सक्सेस प्रिंसिपल, लीडरशिप प्रिंसिपल और लाइफ लेसन जितने एक लॉयन से सीखे जा सकते हैं उतने और किसी एनिमल से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकियों से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन लॉयन की लाइफ से जो सीखने को मिलता है दैट इज अनबिलीवेबल। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लेसन नंबर वन, फोकस इज द की। शेर जब भी शिकार करता है तो सीधे जाकर लपकता नहीं है, पहले वो बिल्कुल आराम से अपने शिकार को देखता रहता है और उस वक्त उसका फोकस का लेवल अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ, उसने जरा भी हलचल की तो शिकार भाग जाएगा। यानी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर आपको फोकस करना होगा, और जरा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपका ध्यान जरा भी भटका तो समझो खेल खत्म। तो उस लॉयन की तरह पहले शांति से अपने गोल को एनालिसिस करो और उस गोल पर फोकस एकदम तगड़ा रखो और सही वक्त आने पर एक्शन लो। नंबर टू, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 में से 8 बार वो नाकाम होता है। तो अगर वो पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, तो बन गया फिर वो तो किंग ऑफ जंगल। लेकिन लॉयन की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। एक बार हार गए, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, बिकॉज ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। नंबर थ्री, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। अ शिप नेवर लीड्स अ लॉयन नेवर फॉलो। एक भेड़ कभी भी किसी को लीड नहीं करती है, और इसीलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। और वहीं दूसरी ओर एक लॉयन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता है, और उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो वो किसी को फॉलो करता है और ना ही वो किसी की सुनता है। और हम लोगों के ओपिनियंस पर ही जी रहे हैं। क्या करना है ये भी लोगों से पूछते हैं, करूँ या ना करूँ ये भी लोगों से पूछते हैं, और जब किसी काम को करते हैं और लोग कुछ कहते हैं तब भी उनकी सुनते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी लाइफ का कंट्रोल भी किसी और के हाथों में चला जाएगा, उस शिप की तरह। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग टीवी देख रहे हैं, एक का इंटरेस्ट है क्रिकेट देखने में, दूसरे का इंटरेस्ट है कॉमेडी शो देखने में। अब टीवी पर क्या चलेगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिमोट किसके हाथों में, और अगर रिमोट सामने वाले के हाथ में तो आपको भी वही देखना पड़ेगा जो सामने वाला आपको दिखाना चाहता है, ना कि वो जो आप देखना चाहते हो। और एग्जैक्टली यही फंडा लाइफ में भी अप्लाई होता है। चूज आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की सलाह ना ले, सलाह ले, लेकिन उसी इंसान से ले जो सलाह लेने लायक हो। लेकिन आपको हर इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को सुनने की जरूरत नहीं है। बी ए लॉयन, खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। नंबर फोर, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। लॉयन ना तो जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर होता है, और ना ही लॉयन सबसे तेज दौड़ सकता है, और ना ही कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि लॉयन में हो और बाकी जानवरों में ना हो। तो वो क्या चीज़ें जो कि लॉयन को द किंग ऑफ जंगल बनाती है? इट्स एटीट्यूड, इट्स अ मेंटेलिटी। एटीट्यूड सही होना चाहिए, वही आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा। तो अपने एटीट्यूड को उस लायन की तरह रखो। अपनी कमियों पर फोकस करने की बजाय जो है उससे क्या क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करो। जिस तरह एक लॉयन का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, उसी तरह आपका सही एटीट्यूड भी आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा। तो ये थे 4 लाइफ लेसन फ्रॉम लॉयन। फोकस इज द की। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट।